हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग उन क्वेश्चन को जान लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक पावर प्लांट में बॉयलर का ट्यूब लीकेज हो जाने के बाद बॉयलर को रिस्टोर करने के लिए आप क्या क्या एक्शन लेंगे। ओके, तो चलिए फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को सुन लेते हैं कि एक बॉयलर का ट्यूब लीकेज हो जाने के बाद बॉयलर को रिस्टोर करने के लिए आप क्या क्या एक्शन लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एक पावर प्लांट का इंटरव्यू में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यदि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया तो इसका आंसर आप कैसे देंगे। तो इसके ऊपर पूरा जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं एक बॉयलर का ट्यूब लीकेज हो जाने के बाद हम लोग बॉयलर को रिस्टोर करने के लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो नंबर वन में क्या एक्शन लेंगे ना, शट डाउन बॉयलर एज सुन एज पॉसिबल। तो बॉयलर को अब जितना जल्दी हो सके उसको शट डाउन कीजिएगा। ओके, ये हो गया नंबर वन में। नंबर टू में ना, फीड वाटर को कंटिन्यूसली सर्कुलेट करके बॉयलर को क्या करेंगे ना, ठंडा करेंगे। फीड वाटर कंटिन्यूसली सर्कुलेट टू कूल बॉयलर ट्यूब्स। ओके, तो जो बॉयलर का ट्यूब्स होता है वो सुपर हीटर हो गया हो या वाटर वाल का हो गया हो, ओके, या इवेपोरेटर स्किन, जितना भी सारे बॉयलर में ट्यूब्स है वो सारे को कूल करने के लिए आप कंटिन्यूसली क्या करेंगे ना, जो फीड वाटर है वो सप्लाई करते रहेंगे। ओके, जब तक उसका जो मेटल टेम्परेचर है वो कम ना हो जाए। ओके, क्या होता है ना, जो ड्रम का मेटल टेम्परेचर है, ट्यूब का मेटल टेम्परेचर है, वो मिनिमम आपका 80 डिग्री सेल्सियस आने तक, ओके, आप क्या करेंगे ना, वाटर को सप्लाई करते रहेंगे। यानी कि जो ड्रम लेवल है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके, तो करीब मेटल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होने से जाके फिर उसका बाद जाके आप वाटर सप्लाई जो है वो बंद कर देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। अभी नंबर थ्री में हम लोग जानेंगे यदि ज़रूरत हुआ तो बॉयलर को फास्ट ठंडा करने के लिए आपको FD और ID फैन को चलाना पड़ेगा, जिसको हम लोग फोर्स कूलिंग बोलते हैं। ओके, तो नंबर थ्री में क्या हो गया ना, इफ़ नेसेसरी स्टार्ट ID एंड FD फैन। समझ में आ गया। तो यदि ज़रूरत हुआ कि एक बॉयलर को हम लोगों बहुत फास्ट ठंडा करेंगे यानी कि फोर्स कूलिंग करेंगे तो उस टाइम में आपको FD फैन और ID फैन चलाना पड़ेगा। नंबर फोर में बॉयलर कूलिंग हो जाने के बाद क्या होगा ना, आफ्टर बॉयलर कूलिंग आइडेंटिफाई लीकेजेस इन ट्यूब्स और कॉयल। तो बॉयलर ठंडा हो जाने के बाद बॉयलर का ट्यूब्स या कॉयल में कहाँ पे लीकेज हुआ है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो नंबर फाइव में क्या होगा, नंबर फाइव स्टेप में ड्रेन द बॉयलर अप टू लीकेज पॉइंट। ओके, तो बॉयलर को आप ड्रेन कीजिएगा, जहाँ तक लीकेज पॉइंट है वहाँ तक आप बॉयलर को ड्रेन कर दीजिए। नंबर सिक्स में यानी कि नंबर सिक्स स्टेप में क्या होगा ना, किस किस के कारण या किसके कारण बॉयलर का ट्यूब लीकेज हुआ है उसका रूट कॉज फाइंड कीजिएगा। ओके,
तो नंबर सिक्स में क्या होगा, ना फाइंड रूट कॉज फॉर ट्यूब फेलवर, फॉर ट्यूब फेलवर। ओके, तो ट्यूब फेलवर होने का रूट कॉजेस क्या है उसको आप फाइंड कीजिएगा। अभी हम लोग कौन जानेंगे नंबर सेवन स्टेप। नंबर सेवन स्टेप में यदि ट्यूब में माइनर टाइप लीकेज हुआ है, यानी कि पिन होल हो गया है या क्रैक हो गया है, तो उसको आप वेल्डिंग कीजिएगा। ओके, तो इफ लीकेज इज माइनर, माइनर लाइक ए पिन होल और क्रैक, ओके, देन वेल्ड इट। पॉइंट नंबर सेवन क्लियर हो गया। यदि लीकेज आपका पिन होल हुआ है या क्रैक हुआ है तो उसको आप वेल्डिंग कीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे नंबर एट स्टेप में क्या फॉलो करेंगे। नंबर एट में यदि लीकेज बहुत मेजर लीकेज है, यानी कि फिश टाइप माउथ हो गया है, फिश टाइप माउथ मीन्स ऐसे ट्यूब ऐसे फट गया है, ओके, तो इसको हम क्या करेंगे ना डायरेक्ट इस ट्यूब को रिप्लेस करेंगे। ओके, तो नंबर एट में इफ लीकेज इज मेजर लाइक फिश माउथ लीकेज देन रिप्लेस द ट्यूब। ओके, तो डायरेक्ट इसको आप रिप्लेस कीजिएगा यदि फिश टाइप का, फिश माउथ टाइप का लीकेज हुआ है तो। अभी हम लोग जानेंगे नंबर नाइन स्टेप में आपको क्या फॉलो करना है। नंबर नाइन में ओके, वेल्डिंग हो जाने के बाद या ट्यूब रिप्लेस हो जाने के बाद एटलीस्ट टू आवर यानी कि दो घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो अलाउ अलाउ टू कूल द जॉइंट एटलीस्ट टू आवर। ओके, तो ज्वाइंट को ठंडा करने के लिए एटलीस्ट आपको दो घंटा वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कौन जानेंगे और टेन स्टेप में क्या करेंगे। एक वेल्डिंग कूल हो जाने के बाद हम क्या करेंगे ना बॉयलर को हाइड्रो टेस्ट करेंगे। ओके, तो हाइड्रो टेस्ट करने के लिए नंबर टेन में हाइड्रो टेस्ट कैरिड आउट। हाइड्रो टेस्ट कितना प्रेशर में कीजिएगा ना 1.25 ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। ओके, तो यदि एक बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर मान लीजिए 89 है, ओके, ऑपरेटिंग प्रेशर मींस उसका जो सुपर हीटर आउटलेट प्रेशर है उसको ऑपरेटिंग प्रेशर कहा जाता है, तो 89 इंटू उसमें 1.25 मल्टीप्लाई कीजिएगा, जितना प्रेशर होगा उतना में उसको आप हाइड्रो टेस्ट कीजिएगा। ओके, तो ये नंबर 10 स्टेप था। अभी नंबर 11 में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रो टेस्ट हो जाने के बाद यदि हम कंफर्म हो जाते हैं कि बॉयलर में और कुछ भी लीकेज नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे ना बॉयलर को ड्रेन करेंगे, उसका जितना नॉर्मल लेवल रहना चाहिए अप टू उतना तक हम लोग ड्रेन कर देंगे। ओके, तो नंबर 11 में क्या होगा ना
ड्रेन द बॉयलर अप टू नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल, ओके। अबे 12 में, नंबर 12 स्टेप में क्या होगा ना, ये सारे चीज कंफर्म हो जाने के बाद, यानी कि ये सारे चीज हो जाने के बाद हम कंफर्म हो गए कि एक बॉयलर में और ट्यूब लीकेज नहीं है, फिर हम लोगों बॉयलर को स्टार्ट करेंगे एज पर जो हम लोगों का नॉर्मल प्रोसीजर है उसको फॉलो करके, ओके। तो नंबर 12 में क्या होगा, स्टार्ट द बॉयलर, ओके। तो ये सारे स्टेप्स थे जिसको हम लोगों फॉलो करते हैं एक बॉयलर ट्रिप हो जाने के बाद इसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, ओके। तो ये सारे आंसर आपका होना चाहिए जब आपको पूछा जाता है कि एक बॉयलर ट्यूब लीकेज हो जाने के बाद फिर से रिस्टोर करने के लिए हम लोगों क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद जो डाउट था आपका मन में वो क्लियर हो गया होगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू।